लोकसभा में वजीर आजम प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जितने पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा राज्यसभा में उन सबको दावत दी गई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये एजेंडा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए, और एक तीसरा पॉइंट था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे उन सब ने तकरीबन, जो मेरा मेमोरी अगर मेरी राइट है, तो सबने एग्री हो गए थे वन नेशन इलेक्शन के लिए, सिवाय हमारी पार्टी के, जब मैं था और येचुरी साहब, और मैंने वन नेशन वन इलेक्शन को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ करार दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में सिर्फ उनकी पार्टी मजबूत रहे और कमजोर कांग्रेस रहे और बाकी सब पार्टियां खत्म हो जाए। तो काफी प्रधानमंत्री मेरे उस बोलने पर, उनका चेहरा बता रहा था, वो बड़े नाराज हो गए थे। उसके बाद मैंने इस बात को कहा था कि आपने एक नई लोकसभा बनाई है, इसलिए कि जो मौजूदा लोकसभा है वो अगर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर डिबेट हो रही है या प्रेसिडेंट मोशन पर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप, मैंने एक चौको ब्लॉक यानी बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था उसमें, और उसमें सहूलतें भी नहीं। तो खैर प्रधानमंत्री जो अपना जवाब दिया वो बड़े नाराज हुए मेरे उस बोलने पर कि ओवैसी ने वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ उसने कहा, और उन्होंने मिसालें दी, ओडिशा में पटनायक साहब जीते विधानसभा और हम लोकसभा जीते, जगन दोनों जीत गए। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ हम सोचेंगे, वो रिकॉर्ड वो मिनट्स होंगे लोकसभा में गवर्नमेंट के पास, वो आप देख सकते अगर वो दिए तो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूँ कि नई पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूट किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए, उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है, अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया, मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आकर उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़ी आप लोग, आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 53(1)। तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं।
ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं, और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। तो हनीमून पीरियड चल रहा है, इब्तदाई इश्क देखिए आगे होता है कि अभी छोड़िए ना, इतने जल्दी उन लोगों को आप क्यों बोलेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है उन लोगों की, अभी तो आगे जाना है, थोड़ा टाइम दीजिए उन लोगों को, उसके बाद फिर ये सब सवालात आपके वाजबी हैं, जनता देखेगी, मगर अभी इतनी जल्दी क्यों, नई सरकार बनी है, उनको टाइम दीजिए। देश के वजीर आजम से प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो प्लैक पर आ जाएगा और रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए, जरा दिल बड़ा करिए ना, दिल बड़ा करने में क्या हो जाएगा, आप बाजू ठहरिए खैंची से, ओम बिरला साहब काट देंगे उसको, और क्या है उसमें बुरी बात क्या है, कभी कभी सेकेंडरी भी तो हो जाइए, हर चीज में आपके आगे रहेंगे तो कैसा होगा, ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है। हाँ, आपकी पार्टी है अलग बात है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है बिल्कुल, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर ये तो लोकसभा है, लेजिस्लेचर है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें भी आप सामने रहेंगे तो कैसा होगा बताइए, फिर संविधान पर आपने ओथ लिया है, आपने तो सजदा किया है पार्लियामेंट के सामने, आपने संविधान को चूमा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।